नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सिविल एजुकेशन में। और दोस्तों, हम देख रहे थे कि एक डिजाइन सेक्शन का हमने पूरा अभी वीडियो बनाया है, जो कि आप लास्ट वीडियो में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाके देख सकते हैं या फिर चैनल पेज पे भी जाके देख सकते हैं कि हम लोग स्लैब की शटरिंग का डिजाइन कैसे करते थे। हमने दोस्तों प्लाई देख लिया था, सेकेंडरी रनर देख लिया था, प्राइमरी रनर के लिए हमने बेंडिंग चेक देखा था। अब जो नए हैं दोस्तों, उनके लिए मैं फिर से यहाँ बता दूं कि देखिए, हमने वुडन प्लाई की डिज़ाइन की, जो कि हमारे चैनल पेज पे आप बिल्कुल जाके देख सकते हैं। सेकेंडरी रनर हमने 300 mm पे कंसीडर किया, प्राइमरी रनर 1 मीटर पे कंसीडर किया है। अब देखिए, इसका एक हमने क्रॉस सेक्शन बनाया था, ये भी आप देख सकते हैं कि प्राइमरी रनर कितने पे हमने दिया है, इसके फोल्डिंग पाइप कितने पे है, 1 मीटर बाई 1 मीटर पे है, और जो स्टरअप साइड है वो एक पाइप पे एक होता है, इसलिए वो भी 1 मीटर बाई 1 मीटर पे कंसीडर होगा। थोड़ा और नीचे बढ़ते हैं दोस्तों कि एक हमने सेक्शन ड्राइंग भी यहाँ पे बनाई है। जैसे ये देखिए, ये वुडन प्लाई है, सेकेंडरी रनर है 300 mm सेंटर सेंटर, फिर हमने प्राइमरी रनर दिया है, स्टिरअप्स हेड हो गया 1 मीटर सेंटर बाई सेंटर, फिर ये इसके फोल्डिंग पाइप हो गया। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, कंसिडरेशन क्या थी, ये 12 mm प्लाई थिक थी, फिर ये जो था 75x100 का था, ये जो कंसीडर किया है हमने प्राइमरी रनर हमारा 100x100 का है, इसके हिसाब से हमने सारी कैलकुलेशन कर रखी हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो भी आप देख सकते हैं, उसमें पूरा आपको क्लियर होगा। जो नए हैं इस वीडियो के लिए, उनको मैं और बताना चाहता हूँ कि एक पिक के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि किस हिसाब से हमारा स्टेजिंग होता है या फिर हम किस हिसाब से करते हैं। जैसा कि ये देखिए, ये जो ब्लैक वाली है, ये पूरा पोर्शन जो है ये हमारा वुडन प्लाई हो गया। सेकेंडरी रनर देखिए, ये ग्रे कलर का जो दिख रहा है, ये हमारा सेकेंडरी रनर हो गया, जो हमने 100x75 का कंसीडर किया था डिजाइन के लिए। उसका हम बेंडिंग चेक, डिफ्लेक्शन चेक और सीयर चेक तीनों बचा चुके हैं दोस्तों, और उसकी वीडियो बन चुकी है। फिर ये जो येल्लो लाइन दिख रही है, ये येल्लो कलर का जो मेंबर दिख रहा है, ये प्राइमरी रनर है 1 मीटर बाई सेंटर सेंटर। फिर यू शेप का यहाँ पे जो स्टरअप्स हेड आपको दिख रहा है, यहाँ देखिए जस्ट ये सटा सा यू शेप है, ये हमारा स्टरअप्स हेड है 1 मीटर बाई सेंटर सेंटर, क्योंकि देखिए पाइप जितनी है, पाइप की इधर की भी डिस्टेंस 1 मीटर है और ये भी डिस्टेंस 1 मीटर है, इसलिए 40 mm पाइप का 1 मीटर सेंटर सेंटर हमने लिखा है। अब दोस्तों आते हैं थोड़ा सा लोड कैलकुलेशन के लिए, और लोड कैलकुलेशन भी थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ कि जैसे देखिए, यहाँ पर 200 mm स्लैब के लिए हमने क्या किया था, लोड हमारा 0.96 टन पर मीटर स्क्वायर ये था दोस्तों। अब यहाँ पे हम इसको UDL में चेंज करने के लिए, जो हमारी स्पेसिंग है पाइप और स्टरअप हेड की, जो प्राइमरी रनर को सपोर्ट दे रहे हैं, उसकी लेंथ से हम इसको इनटू कर देंगे तो हमारा UDL आ जाएगा। अब कहेंगे एक पाइप कितना लोड लेगा, ये हमने कल भी बताया था दोस्तों, आज भी बता रहा हूँ कि एक पाइप या फिर एक स्टरअप हेड ये हमारा किस जगह पॉइंट होगा, जो 1 मीटर ये टोटल है डिस्टेंस से, क्या करेगा ये 500 का ये एरिया और 500 का ये एरिया, इतना ये 4 times कैलकुलेट करके, जैसा टी सेक्शन में या फिर आपने देखा होगा कि जब टी सेक्शन हो गया या फिर कोई वैसी बीम हो गई, जो दोनों जितना भी स्लैब का पार्ट रहता है उसका हाफ पियर करता है, हाफ हाफ, इसलिए ये दूसरे के बीच का जो भी इसका नियरेस्ट पाइप होगा, जैसे ये नियरेस्ट पाइप है, इसके बीच का आधा पोर्शन ये बियर करेगा, तो सेम इस तरफ का भी जो पाइप आएगा उसका भी आधा बियर करेगा। इस हिसाब से हमने 1 मीटर का एरिया कंसिडर करके हमने UDL कैलकुलेट किया है। अब देखिए, जो 100x100 का बैटन था, हमने मॉडुलस ऑफ सेक्शन कितना निकाला है, 166 निकाला है, इसका एरिया कितना है, 100 cm² है, ये देखिए 100 cm², और इसका IXX यानी मोमेंट ऑफ इनर्सिया 833.33 cm³/4 है। बेंडिंग चेक हमने देख लिया था दोस्तों, अब आते हैं डिफ्लेक्शन चेक पे, मेन जो हमारा कंसर्न है आज के वीडियो का। और वीडियो जरूर दोस्तों यदि पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि किसी को नॉलेज मिल सके। अब यहाँ डिफ्लेक्शन चेक के लिए देखिए हम लोग करते क्या है दोस्तों, हमारा निश्चित है कि सिंपली सपोर्टेड का इस तरह का जो कहीं भी बीम होती है या फिर हमने जो रनर इस्तेमाल किया है उसके ऊपर लोड जो आ रहा है वो UDL आ रहा है, तो ये एक तरह का अपने, यदि इसका ट्रैवर्स सेक्शन यदि देखें लॉन्गिट्यूडनल, तो इस पर यदि ये UDL काम करेगा तो ये एक तरह का सिंपली सपोर्टेड काम करेगा, क्योंकि यहाँ हमारा पाइप है, इसलिए जो फॉर्मूला होगा वो 5WL^4/384EI यूज होगा डिफ्लेक्शन के लिए, जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन यूज करते हैं, असूम में आपने पढ़ा होगा। यहाँ W देखिए UDL हो गया, L क्या है मैक्सिमम अनसपोर्टेड लेंथ हो गई, E क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मेंबर, वुड मेंबर होता है उसका, ये कितना होता है 10^5 kg/cm², यहाँ वुड भी लिख रहा हूँ मैं, तो ये दोनों के लिए हो गया। अब यहाँ देखते हैं डिफ्लेक्शन कितना आएगा और क्यों आएगा। यदि 0.15 पे हम क्लिक करें तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये सारी जो वैल्यू लिख रखी है ये टोटल कैलकुलेटेड है,
ये देखिए जो 534 जो यहाँ दिख रहा है आपको, ये यूडीएल है हमारा, जो हमने 9.96 टन पर मीटर, और उसको हमने 1000 से इंटू किया केजी में चेंज करने के लिए, 100 से डिवाइड किया सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। अब ये जो है ये हमारी लेंथ हो गई, जो 1 मीटर हमने लिख रखा है वो हमारी लेंथ हो गई, और लेंथ को हमने कितनी बार टाइम्स किया है, 4 टाइम्स इंटू किया है, क्योंकि एल की पावर 4 था, और डिवाइडेड डिवाइड बाई 10,000 से इसलिए हमने डिवाइड किया है कि यहाँ पे ये हमारा एमएम में था, और सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए हमें 10 से डिवाइड करना पड़ता, इसलिए हमने 10,000 लिया है 4 बार के लिए। अब देखिए यहाँ पे 384 इंटू जो इलास्टिसिटी ऑफ टिम्बर था वो हमने 10 की पावर 5 लिख रखा है, और I544 जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्सिया था दोस्तों उसकी हमने पुट की है। ये एक्सेल सीट में ऑलरेडी पुटेड है दोस्तों। यदि मैं इसमें कोई भी वैल्यू चेंज करूँगा, जैसे लेंथ यदि चेंज कर दूँ या फिर कुछ चेंज कर दूँ, लोड चेंज कर दूँ, तो ये ऑटोमेटेड है कि चेंज हो जाएगा। अब 0.15 सेंटीमीटर आने के बाद क्या आया, 1.5 mm आया। हमारे पास कंसिडरेबल कितना है, L/270, यानी 1000 डिवाइडेड बाई 270। इसकी वैल्यू जब आप देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3.704 आ जाएगा। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि 1.5 mm डिफ्लेक्शन आ रहा है, 3.704 ये मैक्सिमम लोड के लिए ये डिजाइंड है या कंसिडरेशन है, इससे कम है हमारा डिजाइन लोड, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये पूरा सेफ है। और हम यहाँ पे नोट हम लिख सकते हैं कि हैंस प्रोवाइड प्राइमरी रनर ऑब्लिक वुडन बैटन 100 बाई 100 mm² एज प्राइमरी रनर एट सेंटर बाई सेंटर विद मैक्सिमम स्पैन ऑफ 1000 mm सेंटर बाई सेंटर प्राइमरी रनर। मीन्स यहाँ देखिए दोस्तों दोनों चीज़ें लिख रखी है हमने, प्राइमरी रनर कंसिडर कितने का किया है, 100 बाई 100 का, दिया कितनी स्पेसिंग पे है, 1000 mm सेंटर सेंटर विद मैक्सिमम स्पैन ऑफ प्राइमरी रनर आर सपोर्टेड बाई इसके फोल्डिंग पाइप ओवर। अब देखिए ये जो मैक्सिमम स्पैन है ये हमने यहाँ शो कर रखा है एडजस्टेबल स्टिरप्स हेड और फिर इसके फोल्डिंग पाइप के लिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इतनी चीज़ें आप समझ चुके हैं, अब थोड़ा सा और आता हूँ कि आपको कह रहा था कि लोड चेंज करने पे क्या होगा या फिर लेंथ चेंज करने पे। अब देखिए यहाँ छोटा सा यदि मैं एक चेंज करता हूँ, 1000 की जगह हमने 1200 लिख दिया, इंटर किया, तो देखिए हमारे यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट भी चेंज हो गया। बेंडिंग मोमेंट कितना हो गया, जो हमारा कंसिडरेशन है उससे ज़्यादा आ गया, यानी ये बेंडिंग मोमेंट में फेल हो गई डिजाइन हमारी लेंथ 1200 करने पे। फिर यहाँ भी देखिए पहले कितना था, 1.5 mm आ रहा था, अभी 3.7325 आ रहा है, यहाँ लेंथ बढ़ गई, ये हमारा डिफ्लेक्शन जो कंसिडरेशन है वो बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस हो गई वो 1200 डिवाइडेड बाई 270 हो गया। ये समझ गए दोस्तों आप लोग कि 1200 करने पे हमारी बेंडिंग में तो फेल हो गई है डिज़ाइन, भले ही डिफ्लेक्शन में पास है, लेकिन हम इसको क्या अलाउ करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि बेंडिंग में ही जब फेल है तो कहीं भी फेल हो सकती है, जब हम कंक्रीट करने जाएंगे या फिर कुछ काम करने जाएंगे। तो इस तरह से दोस्तों देखिए लेंथ चेंज करने पे क्या फ़र्क पड़ता है। अब इसको एज इट इज़ मैं 1000 ही रहने देता हूँ। अब देखिए वैल्यू फिर से सेम हो गई, जो हमारा बेंडिंग मोमेंट चाहिए था वो 72 आ गया, फिर से 1.5 mm हमारा डिफ्लेक्शन आ गया। अब दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, वीडियो ज़रूर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अब मुझे विदा दीजिए, इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।